अक्सर बॉडी वाइटनिंग की ज़रूरत तब होती है या तो जब आपकी कभी शादी हो रही है या फिर आप किसी फंक्शन या पार्टी में जा रहे हैं जिसमें आप लगना चाहते हैं एकदम अट्रैक्टिव। लेकिन आज मैं आपके साथ जो स्किन वाइटनिंग ब्लीच शेयर कर रही हूँ उसके इंग्रेडिएंट ज़रा ध्यान से सुनिएगा और बहुत अच्छा वीडियो है, छोटा है लेकिन आई एम श्योर कि आपके लिए हेल्पफुल होगा और लगा कर भी दिखाया तो कम्प्लीट लास्ट तक देखें, अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक किया करें, मुझे बेहद खुशी होती है और ये फ्री है और सबसे बड़ी बात है कि आपका प्यार झलकता है जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ। आपके लिए कुछ इसमें इंग्रेडिएंट सिंपल ऐड किए हैं जैसे कि आप आसानी से बना पाओ। तो चलिए स्टार्ट कर रही हूँ वीडियो। एक ब्लैंक बाउल ले लीजिए जिसमें आप बनाएंगे और फर्स्ट इंग्रेडिएंट मेरा है कॉफ़ी। कॉफ़ी में एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि एक ग्रेट एक्सफोलिएंट का काम करती हैं आपकी बॉडी पर, आपकी बॉडी को वाइटन करने में हेल्प करती है बहुत ही स्पीड से। ये सेकंड इंग्रेडिएंट मैं ले रही हूँ जो कि हम अपने घर पे ब्लीच करते हैं ना और उसका जो एक्टिवेट पाउडर बच जाता है, मेरे पास बड़े वाला ब्लीच था और मेरे पास एक्टिवेट पाउडर भी स्किन वाइटनिंग का ही रखा था इत्तेफाक से, तो मैंने यही यूज़ किया। बहुत ही थोड़ा सा लेना है क्वान्टिटी में, आपके पास कोई भी ब्लीच का बचा हुआ हो वो लेना है। थर्ड इन्ग्रीडियंट है लेमन। लेमन भी इसमें आपने ऐड करना है पूरा एक। देखिए मैंने आपको फिर बता रही हूँ, जो हम घर पे ब्लीच करते हैं उसका जो एक्टिवेट पाउडर बचता है मैंने ये वो ऐड किया था, और आपके पास किसी भी ब्लीच का हो आप वो ऐड कर सकते हो। दूसरी तरफ अगर मैं बात करूँ लेमन की, तो लेमन होते हैं विटामिन सी से एकदम भरपूर, ले सकते हो। थोड़ी देर रखने के बाद 1 से 2 मिनट में ही ये कुछ एक्टिवेट हो जाएगा क्योंकि ऑलरेडी इसमें एक्टिवेट पाउडर है और हमने दूसरा एक्टिवेट पाउडर यानी कि इनो मिलाया है, तो ये डबल एक्टिवेटर बन गया है। इससे कोई बॉडी पर प्रॉब्लम नहीं है, बट यस आप इसको फेस पर नहीं लगा सकते। मैं बिल्कुल भी आपको सजेस्ट नहीं करूँगी कि आपको इसको फेस पर लगाना है, पर आप अपनी पूरी बॉडी पर कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हो वाइटन करने के लिए। ये बहुत ही हेल्प करेगा और बहुत ही तेज़ी से करेगा। आपने देखा मैंने ना कि सिर्फ इस ब्लीच को अप्लाई करा है बल्कि लेमन को भी ऐड किया स्क्रब करने के लिए। अगर आप और फास्ट चाहते हैं रिजल्ट तो लेमन ऐड कर सकते हैं या फिर लेमन से रब करें, 15 से 20 मिनट छोड़ें और उसके बाद नहा सकते हो नॉर्मल या फिर वॉश कर सकते हो। आई एम श्योर कि आपको बेस्ट रिजल्ट मिले। आप अपनी नेक, अंडर आर्म या फिर कहीं पर भी ट्राई कर सकते हो इसको। आई एम श्योर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो आगे के नए अपडेट्स के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।